साध्यव्याप्तो सत्याम साधना अव्याप्त्यर्थम यत्र विशेषण उपाध्य सब पक्ष तलक्षण यहाँ तक हुई थी। तो ये पंक्ति है बाद बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ होगा। न चे द्वितीय संयोग असंभवात प्रतिमा अनुपत्तिर दोषः। वेदांति कहें भाई एक परमाणु निर्वय है फिर भी आप मान लिया जाए उस परमाणु दूसरे पर संयोग हो गया तो भी अब अगले परमाणु से संयोग कैसे हो पाएगा, क्योंकि संयोग रहित देश को होना चाहिए ना। जैसे यहाँ पर गया इधर से इधर संयोग हो गया, अब ये इन जगहों में संयोग नहीं है तो यहाँ इधर से संयोग हो जाएगा। संयोग रहित देश में ही दूसरे के साथ संयोग बांध सकता है, और ये निर्वय वस्तु के संयोग बांध ले जाए पूर्ण रूपेण संयोग हो जाएगा ना, पूर्ण रूपेण संयोग हो गया। अतः संयोगांतर संभव ही नहीं, क्या त्रसणवादी कैसे बनेंगे। वे कहते हैं द्वितीय संयोग का न होने से प्रतिमा मने स्थूलत्व प्रतोर बाबा प्रतिमा प्रतुथा मैंने स्थूलता वो कैसे हो सकेगी इति दोषः। तब सिद्धांत ही वह न्यायिक जो है अब न्यायिक बोल रहा है ना अपने पक्ष स्थापना कर रहा है द्रणु के प्रतिमा अभाव साधने दोष अभाव द्रणुक में स्थूलत्व नहीं कह रहे हो तो हमें भी इष्ट ही है, हम द्रणु को स्थूल नहीं मानते हैं। तस्य अणुत्वा क्यों उसका नाम हमने इसलिए अणु रखा है परमाणु अणु त्रसरेणु त्रणु के तो कारण बहुत्वादेव महत्वपति और त्रिणुक में फिर कैसे महत्व परिमाण आ जाएगा स्थूलत्व आ जाएगा कारण बहुत्वात अनेक परमाणु है इसे स्थूलता आ जाता है। द्रणुका नाम सावयवत्व न संयोग उपपत्तिश्च भले परमाणु निरवय है लेकिन द्रणु को हम सावय मानते हैं, दो परमाणु रूपये अवय वाला है वो सावय होने से वहाँ पर उसके द्वितीय संयोग भी हो सकता है तृतीय संयोग भी हो सकता है होने में कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से नई आज्ञा अपनी बात स्थापना कर दी। अब पूरे की टीका नोपलभ्यते के बाद तत्र न चेति निरवयव परमाणु अनंगीकारे अंगीकारे वा संयोगित्वम अप्रत्याख्ययम इत्याह परमाणु इति कहते देखिए निरवय परमाणु यदि स्वीकार करो या ना करो अनंगीकारे अंगीकारे वा संयोगित्वम अप्रत्यय संयोगित्व परमाणु में आपका वशमान नहीं पड़ेगा, चाहे परमाणु निरवय है चाहे परमाणु सावय है लेकिन परमाणु को संयोगी माने बिना सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती। परमाणुविति एवं बाधकम परिहृत्य तत्संयोगित्व प्रमाणम माह इस बाधकों को परिहार करके उसे संयोगी होने प्रमाण दिया द्रव्यत्वे नहीं थी द्रव्यत्वे नहीं थी कहाँ ये द्रव्यत्वे नहीं थी द्रव्यत्वेन घटाधिपत द्रव्यत्वेन घटाधिपत तो एतेन पूर्वानुमान से अद्रव्यत्व उपाधिताम इसके द्वारा पूर्व पक्षी जो अनुमान था वेदांत एकदेशी का उस अनुमान में अद्रव्यत्व को ही उपाधि ग्रहण करके खंडन कर लेना चाहिए। ननु सावयवत्व प्रयुक्तम घटादो संयोगित्व मिति व्याप्यत्व सिद्धो हेतु हो लेकिन आप दृष्टांत घट देते हो इन घट में तो सावयवत्व संयोगित्व है अतः आपके हेतु व्याप्यत्व सिद्ध है उन्हें सावयवत्व उपाधि है ये वेदांत एकदेशी ने कहा तब उसने सावयवत्व उपाधि नहीं हो सकता क्योंकि सावयवत्व क्या है पक्षेतरता नचे इत्यादि सावयवत्वम एव विवेचयन अर्थतः पक्षेतरता दर्शयति सावयवत्व का विचार करते हुए अर्थतः वह पक्षेतर हो जाता है ये सिद्ध करने के लिए आरंभ करते कार्येति आकाश आदि गुणादिश्च उभयत्र विशेषणद्वय व्यावर्त्याम कार्य द्रव्यत्वम वा संवेदत्व सति द्रव्यत्वम वा सावयवत्वम कह दिया कार्य द्रव्यत्व में कार्य विशेषण क्यों दिया आकाश आदि निवारण करने के लिए और संवेदत्व सति क्यों कहना पड़ा द्रव्यत्वम गुणादि में अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए उभयत्र विशेषण द्वय व्यावर्त्यम तदयम अर्थ यथा ही अंकुरादि सकर्तृगम कार्यत्वाद घटादिवद इत्यत्र शरीरी जन्यत्वस्य उपाधित्व उद्भावने जन्यत्व मात्र से घटादो साध्ये व्याप्तौ सिद्धायां शरीरी ग्रहणम पक्षीकृत अंकुरादौ साधन व्याप्ति परिहारार्थम इति पक्षेत्रत्वम जिस प्रकार से आपने चित्तंकुरादिगम सकर्तृगम ये कहा था आपने कार्यत्वाद घटवत उस अनुमान में अन्य दर्शन वाले क्या करते हैं शरीरी जन्यत्व उपाधि देते हैं वहाँ पर कहा जाता है शरीरी जन्यत्व उपाधि देना उचित नहीं है केवल जन्यत्व उपाधि से काम चल सकता था फिर शरीर आपने क्यों दिया पक्ष में साधन की व्यापकता ना हो उसके लिए आपको देना पड़ा कहेंगे अर्थात क्या पक्ष में साधन के व्यापक न होना
मैंने पक्ष से इतर से सिद्ध होना, कैसे वही समझा रहे हैं। शरीर जन्यत्व से उपादित्व उद्भावने, उद्भावन करने पर आप कहते हैं जन्यत्व मात्र से घटा दो साध्य व्याप्त हो, जन्यत्व मात्र घटा दियो में साध्य व्याप्ति घट जाएगी। साध्य व्याप्त व्यापक सती साधना व्यापकत्व में, और घट में क्या है आप साध्य व्यापकत्व आ जाएगा। साध्य क्या था सकर्तकत्व, यत्र यत्र सकर्तकत्व तर तत्र जन्यत्व, साध्य की व्यापकत्व ही है। साध्य व्याप्त हो सिद्धायाम शरीर ग्रहणम पक्षीकृत अंकुरादो साधन व्याप्ति परिहारार्थम, देखो पक्षीकृत क्या है अंकुरादि, वहां साधन की व्याप्ति ना हो जाए क्योंकि साधन क्या था कार्यत्व, अब यत्र यत्र कार्यत्व तर तर जन्यत्व पकड़ में आ जाएगा, गड़बड़ हो गया। तो साधन का अव्यापक होना चाहिए ना, और साधन के अव्यापक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तरह कार्यतम तथा शरीर जन्यत्व कह दो, और शरीर जन्य है नहीं, ये संसार रूपी जो अंकुर है कार्य है ये शरीर के द्वारा जन्य नहीं है, ये उनका कहना है। साधन व्याप्ति परिहारार्थम इति पक्षेत्रत्व, इसी का नाम पक्षेत्रत्व। एवं द्रव्यत्व मात्र सेवा संयोगित्व व्याप्त, इसे यहाँ पर भी द्रव्यत्व मात्र दे दो आप संयोगित्व का व्याप्ति बनाएगा। सिद्धायाम कार्यत्व समेतत्व व विशेषणम, कार्यत्व समेत जो विशेषण किया वो पक्षीकृत परमाणुओं में साधन व्याप्ति का परिहार करने के लिए, पक्षीकृत परमाणु शो साधन व्याप्ति परिहारार्थम अतः पक्षेत्रत्मिति भाव ननु पक्ष मात्र व्यावर्तक का पक्षेत्र नाम, ऐसे क्यों नहीं लेते हो पक्ष मात्र का व्यावर्तन करने का नाम पक्षेत्र है माने पक्ष भिन्नत्व, ऐसे क्यों नहीं लेते हो न पुनरितंभूत, आप जिस प्रकार का पक्षेत्र उसको इष्ट नहीं हमें, ऐसे ही एक देशिक है तत्र साध्य व्याप्त हुई थी। सत्याम साधन अव्याप्त्यर्थम यत्र विशेषण उपादीयते सब पक्षेत्र, ये लक्षण है। न निरविशेष संयोग सती एक परमाणु न संयुक्त है परमाणु परमाण्वंतर संयोग न स्यात्, एक आज जो पाठ शुरू किए थे उसके लिए निरंश संयोग यदि मान लियो तो भी एक परमाणु का एक परमाणु संयोग हो जाने के बाद में परमाणु अंतर के साथ संयोग नहीं हो पाएगा, संयोग न स्यात्। संयुक्त प्रदेश अतिरिक्त प्रदेशांतर अभाव, कि संयुक्त प्रदेश से अतिरिक्त प्रदेश नहीं रहा जहाँ संयोग अभाव स्थल हो, तावन मात्र एवच द्वितीय संयोग तद आरब्ध कार्य प्रतिमा न स्यात्। यदि उसी में द्वितीय संयोग मान लो तो फायदा क्या हुआ, स्थूलता नहीं ला पाएगा वो। यादृश परमाणु निरवय परमाणु एक दूसरे निरूपण संयोग हो गया, और इतने जो संयोग हैं इतने में ही एक और परमाणु आपके संयोग हो गया, यदि कह दोगे स्थूलता आएगी नहीं, उसी में समा जा रहा है ना, उसी में समा जा रहा है तो संयोग बढ़ते रहेगा। अब यह हुआ इस दौरान में यह डाला दूसरा चीज डालते जाओ बढ़ेगा ना, यदि आपको उतना ही रहेगा जितने भी संयोग करते जाओ उतना ही रहेगा फिर तो बढ़ेगा ही नहीं, तो स्थूलता कैसे आएगा, स्थूलता आएगा नहीं, ये दोष आ जाएगा। न सीति तत्र उसमें जवाब देते न इत्यादि से अत्र तद आरब्ध कार्य शब्द है द्विणुकम व तृणुकम विवक्षित है। आप आरब्ध कार्य से क्या लेना चाहते हो, द्विणुक के तृणुक परमाणुओं से आरब्ध कार्य स्थूल नहीं होगा, ये आपने कहा कौन सा कार्य, यदि आप कह रहे हो परमाणु से द्विणुक स्थूल नहीं होगा तो हमारे लिए इष्ट है इष्टापत्ति है, किंवा चतुर्णुकमिति प्रथमे तो इष्टापत्रित्या दोनों को स्थूलता नहीं है तो खुशी की बात है। द्वितीय प्राह तृणक कारण भूतवाद्वा कारण महत्वाद्वा प्रचय विशेषाद्वा महत्व उत्पादित है, तीन प्रकार से स्थूलता देखी गई है, कारण की बहुलता से या कारण ही महत्व परिमाण वाला था इसे कार्य अपने और महत्व परिमाण वाला हो गया, और जो कारण में प्रचय भाव है इसे रुई है इसको फैला दो ना बड़ा दिखता है, बड़ा दिखने में क्या फैलाओ, इन तीन में से या कारण तो महत्व परिमाण वाला नहीं है द्रुणुक जिसे त्रिशृणु बना इसे कारण महत्व घटेगा नहीं, और कारण या रुई आदि जैसा भी शिथिल अवय वाला नहीं जिसको जो और शिथिल करके फैलाओ उसको ऐसा भी संभव नहीं है, इसे कारण बहुत्वाद ही लेना पड़ेगा। तथा कारण महत्व प्रचय और अभाव पे स्वयं कह रहे हैं कारण बहुत्वाद त्रणु के महत्व उत्पादित है नहीं द्रणुकाभ्यान त्रणुकोत्पत्ति ये तदारब्ध महत्व न स्यात, ये जो रटे हुए हैं तीन द्रणुक से एक त्रिशृणु होता है ऐसी बात नहीं है, द्रणुकों से हम त्रिणुकोत्पत्ति नहीं मानते किंतु तद आरब्ध महत्व ऐसा नहीं है, किंतु क्या है अपितु बहुबीर द्रणुक इति भाव, बहुत द्रणुक का मतलब क्या बहुत परमाणु, कि द्रणुक क्या है केवल परमाणुओं का
एक संयोग का विशेष स्वरूप है, इस तरह से हम मानते हैं। यच्च द्वितीय संयोग भाव उक्ता, फिर आपने कहा द्वितीय संयोग कैसे हो पाएगा निरंश में, ये सोपी दणुकेशु नास्ति, वह भी आपत्ति दणुक में नहीं दे सकते, कि हम दणुक को साव्य मान लेते हैं, परमाणु पे अवय उसके अंदर है। ननु बौद्ध से विचार आरंभ, अंत में खंडन अभिखंडन नहीं हुआ, वेदांति खंडन नहीं किया, उसने अपने पास स्थापना कर दिया परमाणु से जगत उत्पन्न हो सकता है, इसे ब्रह्म से जगत उत्पत्ति मानने की जरूरत नहीं। लेकिन बौद्ध कहता है आप अवयवी त्रिलोक मान रहे हो, ये क्रम से जगत पैदा हुआ, हम मानते नहीं, अवयवी है ही नहीं, जो कुछ भी क्षण विज्ञान है, क्षण विज्ञान से अलग अवयव अवयवी भाव है ही नहीं, धारा है विज्ञान धारा, विज्ञान धारा में हम कहते अनेक क्षण विज्ञान है, और वही अनेक परमाणु पुंज रूप में दिखा, और जब परमाणु पुंज उसका अवयव करेगा वो भ्रम हो रहा है। इसलिए जो आप अनुमान आदि बना करके जो है त्रिश्रण आदि की सिद्धि कर रहे हैं, अवसर सावयत्वाद कर परमाणु की सिद्धि करके परमाणु से उत्पत्ति कह रहे हो, ये गलत है। ये कहता है न च अवय बिना एव अभावात तद आरंभ अनुपपत्ति ही, जब अवयवी नाम का चीज ही नहीं रह गया उसके आरंभ की चर्चा करना ही अनुपन्न है, ये बौद्ध ने कहा। तब नया कहता है तार्किक, एक स्थूल नीलाव भाषो बाह्य प्रमात्वात् रूप दर्शनवद इति अवयवी सिद्धे है। एक स्थूल नीलाव बाह्य एक स्थूल नीलाव भाषो पक्ष है, ये कैसा है, ये प्रमा है प्रमात्वाद रूप दर्शनवद रूप दर्शन के समान, इस अनुमान से हम अवयवी सिद्ध कर देंगे। एकत्व स्थूलत्व नीलादि गुण विशिष्टत्व और बहिष्ठ विज्ञान से बाहर है, विज्ञान से अलग है, इसे बाह्य ज्ञान के बोला गया, ऐसे में प्रमा है होती है वो प्रमात्वाद रूप दर्शनवत रूप दर्शन के समान। तब बौद्ध कहते हैं नच अर्थांतरता, अर्थांतरता दोष है यहाँ पर, हम भी बाह्य मानते हैं अवयव मानते हैं उसको भ्रांति मानते हैं लेकिन वास्तविक है ही नहीं। तब तार्किक कहता है विकल्प सहत्वात, विचार करके देखो अर्थांतरता दोष हम पर आप नहीं दे सकते, क्यों अर्थांतरता दोष नहीं है, तथा ही किम परमाणु समूह आलंबनत्वम विपरीतम उद अवय संहति गोचरत्वम, परमाणु समूह का कोई विषय करना आप कहते हो विपरीत है आपके, या अवयव संहति ही विषय बन रहा है, अवयव संयोग जो संघात है वो विषय कह रहे हो, परमाणु पुंज को ही तुम अवयवी कह रहे हो और भ्रम कहना चाहते हो, या अवयवों में संघात हो गया और संघात में भ्रम है ये कहना चाहते हो। कहते नाद्य परमाणु नाम अतीन्द्रियाणाम असमदादि प्रत्यक्ष गोचरता योगात, परमाणु पुंज मुझे दी कर रहा है ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता कि परमाणु नहीं दिखते, या हजार परमाणु का एक समूह है ऐसे कैसे बोलेगा, जो हजार परमाणु गिन के बताएगा क्या, दस परमाणु तो गिन के देखा एक दो तीन चार दिखी गिन ही सकता क्योंकि दिखती नहीं परमाणु, वस्तु दिखने का विषय ही नहीं है वो। इसे कहता है कि भाई परमाणु तो अतीन्द्रिय है, हम लोगों के प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं है, तो उसके समूह हम कैसे गिन देंगे बता देंगे, ना भी द्वितीय फिर अवय समूह को लेकर गए हैं, अवयव नाम अनेकत्वाद एक प्रत्येक गोचरत्व संभवात, अवयवों को ही समूह हम देखा कहोगे एकत्व तुम कैसे करोगे, कि अवयव अनेक है फिर अनेकों कहना पड़ेगा, एको मान धान्य राशि प्रयोग कैसे हो गया, ये प्रयोग नहीं हो सकेगा। इति प्रत्येक गोचरत्व संभवात समुदाय से एकत्वाद दोष, अरे भाई अवयव से अलग समुदाय की कल्पना कर लेंगे और समुदाय में एकत्व मान लेंगे, ब्रह्मपूर्वक जो हम अवयवी कह रहे हैं वो अवयवी समुदाय है, वो समुदाय में एकत्व है। कहते हैं समुदाय से एकत्वाद दोषी चिन्ह तस्य अवस्तुत्वात, समुदाय कोई अवयवों से भिन्न वस्तु है क्या, बौद्धों से पूछो अवयवों से अलग कोई समुदाय नाम की वस्तु है, इसे मान लिया वो तो फंस गया, अवयवी मानना पड़ जाएगा अलग अवयवों से, तार्किक के समान अवयव से बिना अवयवी मानना पड़ेगा उसको, इसे उसको कहना पड़ता है नहीं हम अलग वस्तु नहीं मानते, ये वस्तु ही नहीं अवस्तु है, उसमें एकत्व कहाँ से ग्रहण कर दिया। वही कहता है ना क्यों तस्य अवस्तुत्वात,
वस्तुत्व तस्यैव अवैवित्वात्। यदि वस्तुत्व मान लोगे वही उसी को तो हम अवैविक कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं हम, संज्ञा मात्र विवाद से तो इतना अगर हमारा आपकी संज्ञा की लड़ाई है, हम अवैवी नाम कह रहे हैं आप उसको समुदाय नाम कह रहे हैं, ये संज्ञा मात्र के लिए लड़ाई हो जाएगा। तब वो कहता है यद प्रकाशते तद ज्ञानम यथा ज्ञानम प्रकाशते च विवाद अत्याशितमिति अनुमान सर्वस्व विज्ञान मात्र सिद्धो साध्य विकलो दृष्टान्त चेत न। कहते आप ऐसा उस अनुमान जो किया ये अनुमान ठीक नहीं, आपने क्या अनुमान किया, रूपाधिव दिया ना, रूपाधि अनुमान के ठीक नहीं है कहता प्रमा के लिए। क्यों, यद प्रकाशित है तद ज्ञान, हमारे मत में जो प्रकाशित हो रहा है वही ज्ञान है, यथा ज्ञान जिसमें ज्ञान प्रकाशित होता है। इसीलिए जो कुछ भी क्षण विज्ञानी है, विज्ञान से मिल कुछ भी नहीं है, कि जो प्रकाशित हो रहा है वह विज्ञानी है, घट प्रकाशित हुआ तो घट भी ज्ञानी है, ज्ञान सर कोई घट नहीं है, जैसे ज्ञान को दृष्टांत सुना उसके मतलब ज्ञान होता, नहीं फिर अनवसा दोष हो जाएगा ना। या जैसे घट ज्ञान रूप नहीं है, घट से भिन्न ज्ञान मानोगे, क्योंकि घट ज्ञान का विषय है, जब ज्ञान का भी प्रकाशन होगा ज्ञान भी तो विषय हो गया, ज्ञान का प्रकाशन हो रहा है तो ज्ञान भी विषय हो जाएगा, फिर अनवस्था होगी, एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के विषय हुआ और दूसरा ज्ञान भी किसी तीसरे ज्ञान का विषय मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो स्वप्रकाश मानने पड़े, तो पहले में मान लो आप स्वप्रकाश ज्ञान को मैं दृष्टांत बना दूंगा। यो कहता है ज्ञानम यथा ज्ञानम प्रकाश तेज विवाद अध्यासितम, और जो विवाद अध्यासित आपका मामला है, चाहे वो परमाणु है चाहे अवयवी है चाहे समुदाय को हो दृणु को हो त्रसणु को हो जो कुछ भी है, ये सब क्या है प्रकाशित हो रहे ना, इसे सब ज्ञान रूप ही, अर्थात ये कुछ है ही नहीं, ज्ञान से अलग क्षण विज्ञान से अलग कुछ है नहीं। प्रकाशित च विवाद अध्यात्मिति अनुमानात सर्वस्य विज्ञान मात्र सिद्ध, सब कुछ विज्ञान मात्र ही है सिद्ध हो गया, अतएव तो है साध्य विकलो दृष्टान्त, आप दृष्टान्त साध्य विकल हो जाए। साध्य क्या था प्रमा, रूप दृष्टान्त कर दिया, अपना प्रमा तो उसमें दिखाना चाह रहे वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ प्रमा भी रूप भी प्रमा रूप ही है, ज्ञान रूप ही है, अरे साध्य अभाव आ गया, क्यों साध्य रूप ही है ना, साध्य वाला नहीं है वो, इतने इतने नहीं घटा सकते आप। इसे कहते हैं कि साध्य भी कलो दृष्टांत चेत तब तार्किक न उभयवाद संप्रति बन से धर्मिणो अभिगमे अपसिद्धांत आपत्ते है। उभयवाद सम्मत एक किसी भी धर्मी को आप दृष्टांत बना दोगे ना, आप ज्ञान को दृष्टांत बना दिए, उभय सम्मत होना चाहिए था ज्ञान, यदि उभय सम्मत आपने धर्मी को स्वीकार कर लिया तो विज्ञान से उसको मानना पड़ेगा, ज्ञान भिन्न मानना पड़ेगा उस धर्मी को, कि मैं भी जानने वाला हूँ आप भी जान रहे हैं, ऐसे वो धर्मी है हमसे अलग है ना, वो हम जानने वाले अलग है, हम दोनों जान रहे ऐसी चीज आपको मानना पड़ेगा ना, ऐसे धर्मी जो भी स्वीकार करोगे वो उसको हम सिद्ध कर रहे हैं ज्ञान से बनने को। धर्मी अभ्युगमे अपसिद्धांत आपत्त है, अनभिगमे छ आश्रय सिद्धि, फिर तो आश्रय से दोष आ जाएगा तुम्हारे हेतु पर पक्ष में रहेगा ही नहीं। यद प्रकाशत है तद उभयवाद सिद्ध, एक विज्ञान मात्र प्रकाशते च विवाद अध्यासितमिति ज्ञान अद्वैत प्रसंजक तया आभास समान योग क्षेमत्व अच्छ, इतना ही नहीं आप जो कह रहे हो वह आभास है, क्यों, क्योंकि आप एक तरफ कहते यद प्रकाशत है तद उभयवाद सिद्ध, एक विज्ञान मात्रम आप ये कहना है जो प्रकाशित हो रहा रूप घट आदि संसार यह भी विज्ञान रूप ही है, और ये आप कहना चाह रहे हम दोनों के मत में स्वीकृत कहना चाह रहे हैं, तो विज्ञान मात्र प्रकाशित विद्या आपने आगे भी कह दिया विवाद अध्यासित का प्रकाशन हो रहा है, जब सर्वम प्रकाशात्मकम भी वह तो विवाद अध्यासित रहा कहाँ जिसका प्रकाशन करोगे, जब सर्वम विज्ञान रूपम भी वह विज्ञान से बन कुछ है ही नहीं, तो विज्ञान ने विवाद अध्यासित को प्रकाशित किया, ये व्यवहार कैसे बोल सकते हैं, व्याघात दोष हो जाएगा। वेदवीति ज्ञान अद्वैत प्रसंजकतया ज्ञान अद्वैत की प्रसक्ति के द्वारा आभास समान योगक्षेमत्व च आभास समान योगक्षेम हो जाता है, तब वो कहे न च कंपा कंप आवर्तत्व अनावर्तत्व रक्तत्व रक्तत्व लक्षण वृद्ध धर्म संसर्गात तद आश्रय से एकत्व उत्पत्ति ही, कहते फिर भी दोनों में विरोध है, विज्ञान कैसा है अकंप रूपा है विषय क्रियावान है कंप रूपा है, और
विज्ञान अनावृत है और विषय आवृत है, विज्ञान अरक्त है, विषय मैं रक्त रंग देख रहा हूं मैं। अतएव आपको कहते लक्षण वृद्ध धर्म संसर्गात, वृद्ध धर्मों के संबंध को देखते हुए तद आश्रय से एकत्रपत्ति, इनके आश्रय में एकत्व अपनी कह सकते, भिन्न मानना ही पड़ेगा। जब भिन्न दो है उस एक यथार्थ होगा, एक भ्रम होगा। अवयव तब नहीं है, तार्किक कहता है अवयवानाम कंपे तद आवरणे तद रक्तत्व अवयवीनो अतद्रुपत्व एक धर्म संसर्ग सिद्ध है। समस्या है अवयव में कंप है और अवयवी में कंप नहीं, ये कैसे कहेंगे आप? अवयव में आवरण है, अवयवी में आवरण नहीं है। अवयव रक्त है, अवयवी रक्त नहीं है, ये कैसे व्यवहार हो सकता है? धागे के यदि लाल है कपड़ा भी लाल होगा। अवयवानाम कंपे तद आवरण तद रक्तत्व मैंने अवयवों का कम, अवयव में आवरण, अवयव में रक्तत्व मान लोगे तो अवयवी ने अतद्रुपत्व न, और अवयवी को आपने अतद्रुपति कह दिया, फिर तो एक वृद्ध धर्म संसर्ग सिद्ध है। एक में वृद्ध दो धर्मों का संसर्ग नहीं हो सकता। क्या आपका मानना है विज्ञान अलग कुछ है ही नहीं? ये विज्ञान से अलग कुछ है ही नहीं, तो विज्ञान जिस रूप का होगा वही एकमात्र रूप ही रहेगा ना। विज्ञान दो रूप का थोड़ा हो जाएगा, रक्त भी और अरक्त भी, और रक्त रक्त नाम दो वस्तु मानेंगे तो फिर विज्ञान से भिन्न वस्तु मानना पड़ेगा, यह आपत्ति है। और एक विज्ञान मान रहे हो तो फिर एक विज्ञान में विरुद्ध धर्म द्वय माननी पड़ेगा। एक ही विज्ञान स्वरूपेण अकंप है और कार्य रूपेण कंप है, यह आपको कहना पड़ेगा। अवयवानाम कंपे तदावरण तद रक्त अवयवीनो अतरूपत्व एक धर्म संसर्ग सिद्ध है। न च अवयव अवयिनो चलाचलोर युत सिद्धि प्रसंग, तब दूसरे में से दोष देता है। भैया आपको भी मानना पड़ेगा हम जो कह रहे हैं ये आपको भी मानना पड़ेगा। वृद्ध दो धर्म है एक ही, और एक को सत्य मान लो एक को मिथ्या मान लो, ऐसे दो वृद्ध एक में धर्म में क्या आपत्ति है तुम? ये आपको इसलिए मानना पड़ेगा आप करें अवय अवयवी में अयुत सिद्धता है, वो अयुत सिद्धता नहीं हो सकती। क्यों नहीं है? कहते भैया अवयव अवीनो चल और अचल ही हो, ये समस्या है। एक चल है एक अचल है, उनमें अयुत सिद्धता कहाँ से आ जाएगा? संबंध कैसे बनेगा? समय संबंध कैसे होगा? चला चलो हो युत सिद्धि प्रसंग, तो युत सिद्धि हो जाएगा, अयुत सिद्ध नहीं हो पाएगा अवय और अवय भी। क्यों? इसका खंडन करने के लिए कहते विकल्प सहत्वा, तर्क कहता है समत कहो कि विकल्प विचार करते हैं तो टिकता नहीं। किम भेदो युत सिद्धि, आप रही ये दोनों युद्ध सिद्ध हो जाएंगे, युद्ध सिद्ध होने का मतलब आयुद्ध सिद्ध नहीं, अर्थात युद्ध सिद्धि का अर्थ बताओ पहले। क्या भेद होने का नाम युद्ध सिद्धि है? किम भेद युद्ध सिद्धि किम व पृथक आश्रय आश्रितत्व, पृथक आश्रय में आश्रित होने का नाम युद्ध सिद्ध है। पृथक क्रियात्व ये इसमें अलग क्रिया उसमें अलग क्रिया देख रहे हैं आप, पृथक क्रिया के कारण से भी हो सकता है। परस्पर संयोग विभागवत्व व परस्पर एक दूसरे से संयोग विभाग वाला होने का नाम युत सिद्धत्व है। चार पक्ष उठाए न प्रथम अवयव अवयन और भेद अभ्युगमेन सिद्ध साधनत्वा, अवय और अवयव में भेद स्वीकार करने से शांत दोष हो जाएगा। इसे अवय रवि दोनों हमारे मध्य युत सिद्ध है, युत सिद्ध है और सिद्ध है, फिर उसमें समय सिद्ध कैसे हो गया? अवय सिद्धों के बीच में तो होता है ना, युद्ध सिद्ध यदि मान लोगे भेद मान लोगे तो फिर वहाँ समय समय कैसे होगा? कहते हाँ ऐसे ही में होता है, हम बताएंगे कैसे होता है। भिन्न होते हुए भी वहाँ समय संबंध होगा, युद्ध सिद्ध भी कहा जाएगा उसको, उसे अलग कारण बनता है बताएंगे आगे। अतएव इत्यादि से यहाँ तक टीका देख लीजिए। अवयवी सद्भावे विज्ञानवादिनम प्रत्युक्ता मान मनोहरियम अनुमानम आहा, अवयवी के सद्भाव में विज्ञानवाद का खंडन करते हुए मान मनोहर कर्म जो अनुमान दिया वो इन्होंने यदि एक स्थूल नीला हो भाषो बाह्य प्रभा प्रमात्मा रूप दर्शवद, ये मान मनोहर कर्म का अनुमान है। एकमिति स्थूलमिति नीलमिति च योयम अवभाषो बाह्य विज्ञान बहिर्भूते, ये जो अवभाष हो कैसी अवभाष है? ये प्रमा है, ये प्रमात्मा हेतु प्रमात्मा दे दिया। सौगत ने विज्ञान से स्वग्राहकतया अर्थांतरता निवृत्ति बाह्य ग्रहण, बौद्ध मत में
विज्ञान स्व और स्वबाह्य सबका ग्रहण करने वाला है, स्व का भी ग्राहक है, उसमें अतिव्याप्ति निवारण करने क्या कहना पड़ा, बाह्य भिन्ने भवतो बाह्य परमात्मा तथापि अवयव सिद्धि को था ठीक है, बाह्य होने होने से प्रमा भले आप कह दो उसको, उसे अवयव तो सिद्ध नहीं होगा, ये तो बहिर्भि परमाणु एव व तंत्वाद्य अवयवान व अवलंबित अवलंब अवलंबताम यम बुद्धि रहा, क्योंकि जो बाहर है ऐसे परमाणु को भी विषय कर सकती है ज्ञान, और जो बाहर तंत्वादि अवयव है उनको भी विषय कर सकती है ज्ञान, विषय करने मात्र से ही अवयवी सिद्ध नहीं होगा, अवयवी कैसे सिद्ध करोगे, ठीक है ज्ञान है, ज्ञान का विषय है, तो विषय क्या है, अवयव ही विषय होता है, अवयवों से अलग अवयवी कभी ज्ञान का विषय नहीं होता, ये उनका कहना है बौद्ध का। न च अर्थांतर था इत्यादि नाम, इसे अर्थांतर दोष तब भी आई, ये ज्ञान जो है ये अब अवभास है, ये अवभास प्रमा है, इसमें आपत्ति नहीं हमको इस अनुमान में, लेकिन इस अनुमान के द्वारा आप अवयवी सिद्ध नहीं कर सकते, इस अवभास का जो विषय है वह विषय क्या है, अवयवों का ही बोधक है, अवयव का ही सिद्ध कर रहे हैं, अवयव से अलग अवयवी को सिद्ध नहीं कर सकता, तो सिद्धांत के ऐसे मत को परमाणु नाम इत्यादि ना अध्ययन विकल्प उठाया ना, परमाणु समूह को विषय कर रहा है या अवयव संघ समूह को विषय कर रहा है, प्रत्यक्ष खलु अयम प्रत्यय स्थूलाद्याकार न च परमाणु नाम प्रत्यक्ष योग्यत्वम्, ये जो स्थूलादि आकार आपने अवभास बताया वो तो प्रत्यक्ष है, और परमाणु का तो प्रत्यक्ष के योग्य ही नहीं, वो उनका प्रत्यक्ष होता ही नहीं, सूक्ष्मत्वाच्च न स्थूल प्रत्यक्षत्वम, सूक्ष्म होने के नाते भी वो स्थूल प्रत्यक्ष विषय हो ही नहीं सकता, न तैर अर्थांतरता, इसे इन चीज़ों को लेकर अर्थांतरता दोष आप नहीं दे सकते, अवयव समूह आलमरत्वम दूषित, अवय समूह ही यहाँ पर विषय है, यदि ऐसा कहो वो भी कहते ना पिद्वितीय थी ननु न अवय मात्र विषय किंतु तत्समुदाय, यदि फिर कहा ठीक है अवय मात्र विषय नहीं है किंतु समुदाय विषय है, इसे एकत्वार हो जाएगा, सच एक शंक थे समुदाय थी, अब अवस्तुत्व तो समुदाय कोई वस्तु प्रत है नहीं, स कथम समुदाय व्यतिरिक्त वस्तुभूतम समुदाय अंगीकुरियात, समुदाय से अलग वस्तुभूत को समुदाय को आप कैसे स्वीकार कर सकते हैं, एवं अर्थांतरतायाम परिहृतायाम, इस अर्थांतर दोष का पर्याप्त हो गया, तब विज्ञानवादी दृष्टांत से साध्य वैकल्यम संगत है, तो विज्ञानवादी क्या करता है और अपना एक आरोप को दूर कर दिया और दूसरा दोष दिखाता है, फिर भी तुम्हारा जो दृष्टांत है साध्य विकल है, यद प्रकाशति प्रकाशमानत्वं ज्ञान स्वभावत्वेन उपज्ञानेषु व्याप्तं, क्योंकि जो है प्रकाशमानता एक ज्ञान का स्वभाव है और उपाधि ज्ञान में भी व्याप्त है, तद रूपादिरपि प्रकाशमानो विज्ञान स्वभाव है, इसलिए उसका विषयभूत जो रूपादि है जो प्रकाशित होता हुआ रूपादि वह भी प्रकाश रूप ही ज्ञान रूप ही है, इति ज्ञान स्वभावतवगते रूप ज्ञान से अभी बाह्य विषयत्व असिद्धम, इसे रूप ज्ञान आदि में जो आप बाह्य विषयता बोल रहे हो वो बाह्य विषय सिद्ध नहीं होगा, इत्यर्थः अत्र ही प्रकाशते रूपम इति पक्षीकृतम, रूपम उभय अभिमतम अनभिमतम वा इति विकल्पित दूषयति, यदि मान लो प्रकाशते रूपम, रूपम प्रकाश इसको पक्ष बना लो और अनुमान बनाइए, तब रूप उभयाभिमतम अनभिमतम वा, या रूप उभय के द्वारा विज्ञान रूपेण स्वीकृत है या नहीं है, विकल्प दूष न इत्यादि ना ज्ञानातिरिक्त रूपाद्यभिगमे अपराधांत, यदि ज्ञानादि से अलग रूप को स्वीकार कर लेगा बौद्ध तो उसका स्व सिद्धांत त्याग होगा, इत्यर्थ आभास समान योग क्षमता में क्या यद प्रकाशित अस्ति अत्रापि एकस्मिन् विज्ञाने तन्मातृत्व प्रकाशमानत्वयोर व्याप्ति, एक विज्ञान में भी विज्ञान मात्रता और प्रकाशता दोनों ही माना जाएगा, ननु तथापि तर्क विरुद्धत्वात् शंकितोपायित्वम् अनुमानस्य, तर्क से विरुद्ध होने के नाते शंकितोपाधि वाला तुम्हारा अनुमान होगा, कैसे तथा वृक्षे कासुचित् शाखासु कंपमानासु तदंशे अवयवी कंपते, अपरासु अकंपमानासु तदंशे न कंपते न चैतद एकस्मिन् वृक्षावयविनी घटते, कहते वृक्ष में आप देख रहे हैं कुछ शाखाएं कंप रहे हैं, उस अंश में अवयवी को कंप रहे कहना पड़ेगा आपको,
और कुछ शब्द हैं कंपने रहे हैं, उस अंश में कारण पड़ा तो वृक्ष कंपता नहीं है। फिर एक ही अवयव में हैं कुछ अंश में जो है वो कंपमान है कंपायमान है, कुछ अंश में अकंपायमान है, व्यवहार करना उचित नहीं है। न चेत जिसमें वृक्ष अवयव नहीं घटते नहीं संभवती तदेव कंपते न कंपते चेत, ये बात हो ही नहीं सकता। वही कंप भी रहा है नहीं भी कंप रहा है, दोनों बात कैसे कहेंगे। तथा घटादिशी अर्धम आवृयते नार्धम, यदि कहो कि घट आदि भी सामने से मुझे दिख रहा है, पीछे क्या लिखा है मुझे नहीं दिख रहा है, ऐसे आधा आवृत है आधा अनावृत है, ऐसे बार एक अवयव में कैसे घटा सकते हो। यदि अवयव में एकत्र स्वीकार करोगे ये नहीं हो सकता है। तथा पटादोपी अर्धरक्तम अरक्तम अर्धम दृश्यते, ऐसा व्यवहार नहीं कर पाओगे। न चैत एकस्मिन संभवति विरोधा, एक में घट नहीं सकता कि विरोध होने से, तस्मात नास्तिव अवयवी थी, इसे अवयवी है नहीं ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। तत्र न च कंपेति इत्यादि न अवयवेभ्य विभिन्न तावद अवयवी, अवयवों से विशेष रूप से भिन्न मानना ही पड़ेगा आपको अवयवी को। न च तस्मिन विरुद्ध धर्म संसर्ग भागनिष्ठत्व, और उतने में विरुद्ध धर्म संसर्ग आप नहीं मान सकते, क्यों एक भागनिष्ठ है वो, परिच्छेद मानते हम शाखा परिच्छेद देना शाखा अवच्छेद देना अवच्छेद भेद से व्यवस्था दे देंगे कि अवयवी में कहीं देश भेद को ले लेंगे कहीं काल भेद को लेकर उपाधि बना देंगे कहीं वस्तु भेद को लेकर ले लेंगे, औपाधि के सब व्यवहार हो जाते हैं। एक ही अवयव में विरुद्ध धर्म जो दिख रहा है वो औपाधि की है, ये कहता है सिद्धांती। अवयवी तो यथानुभव कंपत एव वा आवृत एव वा विपरीतम एव वा, क्योंकि जो अवयवी क्या है जैसा अनुभव रहा वैसे मानना पड़ेगा, जहाँ अनुभव रहा है कंप रहा है तो कंप रहा है। जैसे वृक्ष प्रचलन न्याय दिया व्याकरण में एकाच द्वितीय से है ना, एकाच प्रथम से अजाद द्वितीय से में वृक्ष प्रचलन न्याय, वृक्ष प्रचलन स शाखा भी प्रचलित है, वृक्ष भी अवय भी प्रचलित हो रहा है और उसके हर पत्ता उत्तर फल फूल सब कुछ छिल रहा है। ये जब द्वित्व करूंगा एक भाव का द्वित्व नहीं होगा, भू पूरे का द्वित्व होगा, अवय भी पूरे का, इसलिए वहाँ पर ऐसे कहा। वैसे यहाँ पर क्यों नहीं है, तब कहते कि वह हमारा और यह में अंतर है। यथानुभव कंपदेव यथा अनुभव आवृत मानो यथानुभव विपरीत भी मान सकते न प्ररो उभयाधिकरणम इत्यर्थ, इन उभय एक अधिकरण में नहीं हो सकता। यदि ऐसा हो कह बहुत स्याद एतत्, यदि अवयव चलनाद दवपि अव्य न चलादिमान तर्री घट चलने वपि अचलित पटवद युत सिद्धत्त अवयव अविनो प्राप्नोति। यदि आपका कहना ठीक है अवयव के चलने से यदि अवयवी में चलन ना हो और घट का चलन पर होने पर भी अचलित पट के समान यदि आप मानते हो फिर तो इन दोनों में युत सिद्ध तो जरूर आएगा। तथा न समवाया, फिर समवाय व संबंध नहीं रह जाएगी अवयव के बीच में। यदि तथा न च अवयवेति विरुद्ध धर्मवत्व अपनी न युत सिद्धि विकल्पवर्क वाह, विरुद्ध धर्म आने के बावजूद भी युत सिद्धि नहीं रहेगी, वह युत सिद्धि रह जाएंगी। क्यों विकल्प सत्वाद इत्यादि न खंडन किया कि किम भेद सिद्ध इत्यादि, अतएव इति अतिदिष्ट सिद्ध साधनत्व विवरण होती, अतएव इत्यादि अतिदिष्ट जो सिद्ध साधनता है उसका विस्तार में समझा रहे हैं। अतएव न द्वितीय मूल में अवयविनो अवयव आश्रयत्व अपि अवयवानाम स्व आरंभक अवयव आश्रितत्व, अन्य शब्द नहीं आएगा। अवयवी रहते हैं अपने अवयवों में, फिर आप अवयव कहाँ है अवयवी में, ऐसा नहीं है। वो अवयव भी अपने अवयव में रहता है, वो अवयव भी अपने अवयव में रहता है, ऐसे करके परमाणु तक जाओ परमाणु अंत है। इसलिए अवयवी में अवयव बात नहीं है, अवयवों में अवयवी है। इन अवयव कहाँ है ये पूछोगे वो अपने अवयव में रहते कहूँगा, अवयवी में है इसे नहीं कहूँगा। शाखाएँ कहाँ हैं वृक्ष में है, वृक्ष कहाँ है शाखाओं में, ऐसा व्यवहार नहीं है। शाखाओं में सारे मिलकर के वृक्ष है, इसे वृक्ष कहाँ है शाखाओं में, और शाखा कहाँ है अपने प्रशाखाओं में, उसका वे उसका वे जाओ परमाणु तक जाओ, ये कहते। न तृतीय पृथक क्रियावत्व से उभयोरिष्टत्वात्, पृथक क्रियावत्व दोनों में इष्ट है। कई बार अवयव में क्रिया हो रही अवयवी में क्रिया नहीं जरूरी है क्या, हम हाथ हिला दिए पर शरीर हिला जरूरी है, वो जरूरी नहीं। इसे इष्ट ही है पृथक
अवयवी संपूर्ण में क्रिया इतना जरूर है, लेकिन अवयवी पूर्व में क्रिया है तो अवय में भी क्रिया माननी पड़ेगी। इन अवय में क्रिया हो, अवय में क्रिया होना जरूरी नहीं। न तृतीय पृथक क्रियावत्व से उभयोरिष्टत्वा एक द्रव्यम कर्म इति सूत्राच, ये वैशेषिक सूत्र भी है, एक द्रव्यम कर्म, एक अधिकरण में द्रव्य रूपी अधिकरण में रहता है कर्म। न चतुर्था चलाचलोर घट हिमाचलो परस्पर संयोग विभाग अनधिकरणत्वात्, परस्पर संयोग विभाग जहाँ पर है उसका नाम ये भी नहीं कह सकते, परस्पर संयोग विभाग आप देख रहे कहाँ विभाग, चलाचलोर घट हिमाचलो, चल कौन है घट, हिमाचल कैसा है अचल है, उन दोनों में परस्पर संयोग और विभाग नहीं देखने को, अनधिकरणत्व संयोग विभाग नहीं देखने को मिलता है। अवयव आवरण अवयविनो अनावरण पूर्वत कृष्ण प्रतीति, यदि अवयव आवृत है और अवयवी आवृत नहीं है कहते हो, फिर तो पहले जैसे हमें अवयवी पूर्ण रूप में दिखना चाहिए। आपने अवयव को ढक दिया तो और कहोगे फिर भी अवयवी ढका नहीं, यदि कहने लगो फिर क्या होगा, आपका अवयव के दर्शन होना चाहिए ना, क्यों नहीं होता, इसे आपको मानना पड़ेगा, जिसको जो अवयव का ढकने से अवयव का भी ढक गया। इस चेत सत्यम कृष्ण प्रतीयते एव तस्य एकत्वात्, यदि एकाद अवयव ढक लिया आपने, हाथ को ढक लिया इतने ही ढक दिया आपने, तो बाकी अवयव के दिखने में आपत्ति क्या, इसलिए कहते ऐसे में हमें कोई आपत्ति नहीं होता है, क्योंकि अवयव कैसा है सादेश होता है, अच्छा संपूर्ण की प्रतीति यदि हो रही है जैसे कोई आपत्ति से एकत्वात वह एक कौन सा अलग से उसकी प्रतीति हो सकती है। तथाप्य द्विहस्तत्वादि किमिति न प्रतीयते, और द्विहस्तत्वादि क्यों नहीं प्रतीत होते, चेत तद उचित अवयव सन्निकर्षस्य तत् प्रतीति हेतु अभावात्, नियम यही है जितना भी हमें अनुभव में आना है तत् तद अवयव का संयोग होना जरूरी है, जितने संयोग हो गया उतने हमने अवयव भी मान लिया, कोई आपत्ति नहीं। इसलिए एक हाथ को देख करके दोनों हाथ को देखना कोई जरूरी नहीं है, द्विअस्तित्वादी किमित न प्रतीत है, क्यों नहीं प्रतीत हुआ, पूरा अवयव भी प्रतीत हुआ, दोनों हाथ दिखना चाहिए था, एक हाथ ढका है तो नहीं दिख रहा है, फिर भी आप अवयव ही दिख रहा है कहोगे तो दोनों हाथ दिखना चाहिए वहाँ पे, कहते ऐसी बात नहीं है। तत् उचित अवयव सन्निकर्षस्य अवयवी का, जिन अवयवों का दर्शन होना आप स्वीकार करोगे उन अवयवों के साथ सन्निकर्ष तत्प्रतीति हेतु हो, तत्त प्रतीति के प्रति कारण कौन है, सन्निकर्ष है, वो सन्निकर्ष नहीं है तो प्रतीति नहीं है, द्वेष की प्रतीति नहीं होगी, एक हस्त विशिष्ट अवयवी का प्रतीति हो जाएगी। तो विचित अवयव सन्निकर्ष से तत्प्रति हेतु अभाव, रक्तत्व तो महाराजनाद्यर एव द्रव्यांतर से नापे अवयव नाम दुर्निरुस्तो विरुद्ध धर्म संसर्ग, और रक्तत्व की बात तुम कहते हो वहाँ पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, महाराजनादि के समान यहाँ पर बने रूप क्या है, व्याप्य वृत्ति है, संयोग अव्याप्य वृत्ति है, इसे पूरे कवर व्याप्त तो रह रहा है, बार एक अवय में रक्त के बारे में रक्त नहीं है, मैं ही नहीं कह सकते हो कि ये सकल एक अवयव से ही एक ही धागे सब कुछ बन गया, और एक धागा लाल रंग की थी तो फिर वहां से बना लोगा, या अलग अलग धागों से बनाओ तो कपड़े चित्रपट बनेगा, फिर रक्तपट मत बोलो उसको चित्रपट कहना पड़ेगा। द्रव्यांतर से नापी अवयवानाम और अवयव के अंदर नहीं है ये दूर निरस्तो विरुद्ध धर्म संसर्ग, इस विरुद्ध धर्म संसर्ग जो दोष दिया था दूर से निरस्त हो जाता है। तथापि तत्संयोगा रक्तिम प्रतीति सर्वत्र किम न चेत, न संयोग से अव्याप्य वृद्धि था, संयोग अव्याप्य वृद्धि होने के कारण से जितना देश में संयोग हुआ इंद्री का उधर देश को लेकर व्यवहार कर देगा, संपूर्ण अवय में थोड़ा उसको बोलेगा। पृथक क्रियावत्तम युद्धसिद्धत्वम इति तृतीय पक्ष विशेषता माह पृथक क्रियावत्वेति, अवयवी अन्य कर्म अवयविनी अपि अन्य देव इति तरह वैशेषिक सूत्रम अपि प्रमाणयति, अवयव में क्रिया अलग है अवयवी क्रिया अलग है, इस विषय वैशेषिक सूत्र बता दिया एक द्रव्यम कर्म, यस हमेशा क्रिया एक निष्ठी एक द्रव्य निष्ठी होता है, अनेक निष्ठ नहीं हो सकती क्रिया, जो क्रिया जहाँ देख रहे हो उसी में है, अच्छा अवयव में कोई क्रिया देख रहे हो वो अवयवी में होना कोई जरूरी नहीं है, नहीं तो आदमी पैर से चल रहा है तो उसको कहना पड़ता हाथ से भी चल रहा है सिर से भी चल रहा है, थोड़ी व्यवहार होता है, अरे पैर में चलन क्रिया है ठीक है, वो हाथों में थोड़ी सिर में थोड़े है, एकमेव द्रव्यम समय का यश कर्मणा तत् एक द्रव्यम,
न पुनः संयोगादिवद अनेक वृत्ति इत्युक्तम्। भवरी समाज के एकमेव द्रव्य समीकरण यस्य, ऐसा कर्म होता है, ये कह करके निश्चय कर दिया संयोगादि के समान वो अनेक वृत्ति नहीं है। परस्पर संयोग भागवत्तम युद्ध सिद्ध रीति चतुर्थम पक्ष भी दूषयति न चतुर्थ तत्री चलाचलत्व संयोग विभागवत्व आपादनीयम, चलाचलत्व संयोग विभाग का आपने आपादन करना होगा। न चेतत शक्यम आपादयितुम, न ते शक्य आपादनम, क्यों व्याप्तर अभावेन प्रशिथिल मूलत्व भावा, व्याप्ति नहीं हो सकती है अतः इसका मूल ही नहीं रह गया, ऐसा अनुमान आप नहीं कर सकेंगे। यत्तु आवृतत्व अनावृतत्व विरुद्ध धर्म संसर्गो नास्ति अवयव आवरण अवयव आवरणे अपि अविनो अनावृतत्व अनुभवाद इत्युक्तम्, अवयवानां कंपेपि इत्यत्र तत्र बाधकं शंकते। अवयवानां कंपित्य वाक्य के द्वारा जो पूर्व पक्ष ने आशंका की थी, मगर एक देश का आवृत होने पर अवयव का आवृत होने पर भी अवयवी आवृत नहीं होता इत्यादि जो कहा, उस पर दोष ऐसा नहीं कर सकते। केन कार्षेण प्रतीति, किम अवयवी स्वरूपस्य अनवशेषेण प्रतीति, किम वा हस्तवितस्त्यादिमत्तया प्रतीति, कैसी प्रतीति है भाई? आप पूछ रहा हूँ कार्षेण प्रतीति अवयवी का होना चाहिए तुम बोल रहे हो ना, हम पूछ रहे हैं क्या अवयवी स्वरूपस्य अनवशेषेण प्रतीति, अवयवी स्वरूप का पूर्ण रूपेण प्रतीति का नाम कार्षेण प्रतीति है, अथवा हस्तादिवितस्त्यादिमत्तया, हस्तादि की जो है कुछ लंबाई मात्र ग्रहण करने से भी अवयवी ग्रहण हो गया कहना चाह रहे हो? आद्याम इष्टापत्य दोष, आद्य में इष्टापत्ति है, संपूर्ण अवयव का दर्शन वगैरह कर तो कोई आपत्ति नहीं है। एक खलु अवयवी न पुनर् अवयवद अनेक, क्योंकि अवयवी एक ही होता है, अवयवों के समान अनेक होता ही नहीं है। सचेत प्रतीयत है, यदि वैसी प्रतीति हो रही है तो प्रतीत एव कार्षण, और फिर तो कार्य पूर्ण रूप में प्रतीति हुई है, यदि नायम अनिष्ट प्रसंग, इसे अनिष्ट प्रसंगति नहीं है। द्वितीयां संगते तथात्वेति सहकारी वैकल्यादिति परिहरति, सहकारी का अभाव होने से तदुचितेति, सहकारी कारण कौन है ऐसा निकर्ष, अवयवी उत्पादका एव ये अवयव तेषाम इंद्रियण यह सन्निकर्ष सोपि एतस्य एक हस्तादे प्रतीतौ उचितो हेतुः तस्य अभावादित्यर्थः, सन्निकर्ष का अभाव होने से आपको आंशिक प्रतीति होती है, सर्वावय विशिष्ट अवयव प्रतीति नहीं होगी, जितना सन्निकर्ष हो उतना प्रतीति है। यत्तु रक्तत्व अरक्तत्व लक्षण विरुद्ध धर्म संसर्गोक्तः तम परिहरति रक्तत्वत्वेति।